ज्या पद्धतीने महिला क्रिकेट टीमने वर्ल्ड कप मध्ये परफॉर्मन्स दिला तो पाहता बीसीसीआयने महिलांची आयपीएल सुरू करायला हरकत नाही अशी प्रतिक्रिया मिताली राजने दिली आहे. वर्ल्ड कप मध्ये खेळाडूंनी उत्तम कामगिरी केली तसंच टीम इंडियाचं नेतृत्व करणं हे नेहमीच समाधानकारक राहिल्याचं मिताली म्हणाली. बीसीसीआयने उपविजेत्या टीम मध्ये प्रत्येक खेळाडूला 50 लाखांचं बक्षीस जाहीर केलंय. त्याबद्दल विचारलं असता मी 1999 पासून खेळते, 50 लाखांच्या बक्षिसावर समाधानी आहात का हे नव्या खेळाडूंना विचारा असं उत्तर मिथालीनं दिलं. आता महिला टीमचं लक्ष T20 असणार आहे. या संदर्भात भारतीय टीमची कॅप्टन मिताली राज बातचीत केली आमच्या प्रतिनिधी दीपाली जगताप पाटील यांनी. भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कॅप्टन मिताली राज सध्या आपल्या सोबत आहे. मिताली जी खूप खूप स्वागत आहे तुमचं G24 मध्ये. सबसे पहिले आपको पूछना चाहूंगी की जो फाइनल वर्ल्ड कप रहा उसके बाद महिला क्रिकेट टीम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, आप उसको किस तरह देखती है और सबको ये एक्साइटमेंट है कि आगे का आपके प्लान्स क्या होंगे, क्योंकि आपने कहा था कि मे बी ये आपका फाइनल वर्ल्ड कप हो सकता है, तो उस बारे में भी बताइए. और ज्यादा करके मेन्स क्रिकेट टीम के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है अभी, तो उसको आप किस तरह देखती है? ये वुमेन्स क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छी फेस है क्योंकि टीम ने अच्छा किया है, तो जो रेस्पॉन्स हमें डिफरेंट लोगों से मिल रही है अराउंड द कंट्री काफ़ी पॉजिटिव है. वर्ल्ड कप तो ऑफकोर्स जैसे मैंने पहले भी बोला है कि 4 साल में एक बार आता है. अभी नेक्स्ट वर्ल्ड कप तो 21 में होगी, तो आई कांट रियली से कि मैं तब तक खेलूंगी, बट हाँ जब तक मैं फिट हूँ और मैं अपनी फॉर्म को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं 2-3 साल और खेलूंगी. आप क्या कहना चाहते कि मेंस क्रिकेट टीम के साथ अभी कंपेयर किया जाता है तो उसको आप किस तरह देखती है, और महिलाएं अभी क्रिकेट में आगे आ रही है, आपको देख के आगे आ रही है, टीम को देख के आगे आ रही है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती है? वेल, मुझे लगता है कि कंपैरिजंस नहीं होनी चाहिए. मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट अलग है, और जो लड़कियां अभी क्रिकेट खेलना चाहेंगी ये बहुत अच्छी फेस है कि वो करियर क्रिकेट को करियर ऑप्शन की तरह देख सकते हैं. थैंक यू हमसे बात करने के लिए. वीडियो जर्नलिस्ट विद्याधर शिर्के साथ दीपाली जगताप पाटिल, जी मीडिया, मुंबई. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.